छतरपुर कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक अमले ने नगरपालिका की टीम के साथ शहर के मूर्ति निर्माण स्थलों पर छापामार कार्रवाई की और पीओपी की मूर्तियां पाए जाने पर निर्माण स्थल को सील कर दिया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी माधुरी शर्मा ने बताया कि कलेक्टर संदीप जीआर द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में ये कार्रवाई की गई है। मूर्ति निर्माण स्थल पर पीओपी से बनाई जा रही मूर्तियां पाई गईं, जिस पर संबंधित स्थलों को सील कर मूर्तियों को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व और नगरपालिका छतरपुर की संयुक्त टीम ने सागर और महोबा रोड के विभिन्न स्थानों पर मौजूद मूर्ति निर्माण केंद्रों की जांच की। इस दौरान कुल 8 स्थानों पर पीओपी की मूर्तियों का निर्माण किया जाना पाया गया। 2 सैकड़ा पीओपी की मूर्तियों को जब्त कर निर्माण स्थल को सील कर दिया गया है। सीएमओ ने नगरवासियों से अपील की है कि वे मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को खरीदें और पीओपी से निर्मित मूर्तियों के कारोबार को बढ़ावा न दें। कार्रवाई भी की जा रही है, तो ऐसी प्रतिमाओं पर अन्य जगह भी कार्रवाई की। कल हम लोगों ने 8 स्थानों पर जहां जहां मूर्तियों का निर्माण कार्य चल रहा था वहां निरीक्षण किया है। उनमें से एक जगह 200 के लगभग पीओपी की मूर्ति पाई गई थी। परिहार मार्केट के नाम से वो स्थान है और वहाँ पर हमने उस स्थान को सील किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगी लोगों से भी कि इस तरह की मूर्ति नाले पर्यावरण के लिए किस तरह से नुकसानदायक भी रहती है? सभी छतरपुर के नगरवासियों से यह आग्रह और अनुरोध है कि वो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उन्हीं का ही पूजन करें, और जिससे हमारे पर्यावरण को भी कोई क्षति ना हो और उनके विनष्टीकरण में भी कोई पर्यावरण की हानि नहीं होती है।